हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। रेशमा कुकिंग एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोरमा तो सबने बनाया होगा, बट एक बार इस तरह से बनाएं, आपको स्वयं पसंद आएगा। ये मेरी माँ का रेसिपी है, मैंने अपनी माँ से सीखा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट करें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। चिकन हमारा हाफ केजी है, अब हमें इसे बनाना है। ये मैंने दो प्याज लिया है, जिसे बारीक काट लिया है आमलेट कट में। एक तेज पत्ता है, बेलीफ हाफ इंच, दालचीनी का टुकड़ा है, दो लौंग है, एक हरी मिर्ची है, आप हरी मिर्च अपने हिसाब से ले। दो चम्मच धनिया पाउडर है, नमक है स्वाद अनुसार, हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ चम्मच मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ले। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो चम्मच दही है, दही को हमें फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और गैस को ऑन करती हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें दो बड़े चम्मच तेल दे दिया है। तेल गर्म होने के बाद में हमें इसमें तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग को डाल देना है। तेज पत्ता और खड़े गरम मसाले को थोड़ा तेल पे सौते कर लेना है, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। मैंने रिफाइंड ऑयल दिया है, मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनाना है। इसके बाद प्याज डालना है। प्याज को डालकर हल्के ब्राउन करना है, डार्क नहीं करना है, नहीं तो हमारा कोरमा का कलर चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे लाइट ब्राउन ही करना है। देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल देना है और एक मिनट फ्राई करना है। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है, हमें इसमें चिकन को डाल देना है और इसे भी एक मिनट फ्राई कर लेना है। अब हमें इसमें बाकी के मसाले को डाल देना है और इसे ढकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे चिकन गलने तक फ्राई करना है। मैंने मिर्ची को इस पे डाल दिया है और इसे ढक दिया है ताकि अच्छे से गल जाए। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है गलने तक। 5 मिनट हो गया है हमारे चिकन को पकते हुए, ये गला है कि नहीं देखती हूँ। ये अभी नहीं गला है, हमें इसे ढककर थोड़े और पकाना है गलने तक का। बीच बीच में इसे चलाना है ताकि नीचे से लगे नहीं। चिकन हमारा गल गया है और तेल भी कढ़ाई के साइड में आ गया है। अब हमें इसमें दही को डाल देना है। दही को हमने फेंट लिया है, देखिए। अब हमें दही को इसमें डालकर और इसे भी अच्छे से फ्राई करना है। दही के साथ में हमें 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, दही के साथ में हमने फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें पानी देना है। मैंने 1 कप पानी लिया है, आप लोग अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी लें। पानी हमें गर्म लेना है और ग्रेवी को 1 से 2 मिनट पकाना है। हमारा चिकन का कोरमा बनकर रेडी हो गया। अब हमें थोड़े धनिया के पत्ते से गार्निशिंग कर देना है और इसे सर्व कर लेना है। देखिए हमारा चिकन कोरमा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे किसी के भी साथ खाएं, पराठा, नान, रोटी, किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आप इसे एक बार जरूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।